जय हिंद बच्चों, आज हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा का इंट्रोडक्शन जो क्लास था हम ले चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था उसको हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, और आज हम लोग यू बैक्टीरिया और एर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया है, तो मोनेरा हम लोग पहले लिखेंगे। तो मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो पहला लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा यू बैक्टीरिया लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों किंगडम मोनेरा के पार्ट्स हैं, ठीक है। मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो आज हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगला जो क्लास होगा वो जो है तो यू बैक्टीरिया के बारे में होगा। तो आर्की बैक्टीरिया को हम लोग फर्दर तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया अगर साल्टी एरिया में पाया जाता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया अगर साल्टी एरिया में पाया जाता है, साल्ट मतलब नमक, ठीक है। जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग साल्टी एरिया कहते हैं। अगर साल्टी एरिया में पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया, तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहते हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है। ऐसे आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब लिखेंगे, हेलो हेलो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट। और फाइल्स का मतलब होता है लव, ठीक है। फाइल्स का मतलब क्या होता है? फाइल्स का मतलब लव, ठीक है। फाइल्स का मतलब लव। तो जो साल्ट लविंग होते हैं, ठीक है, जो साल्ट लविंग आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जहाँ साल्टी एरिया होता है वहाँ भी रहते हैं, तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहते हैं। और अगला है, अगर अगर आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, अगर आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाया जाता हो, ठीक है। हॉट स्प्रिंग का मतलब जहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो पीएच हो उसी को हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हॉट स्प्रिंग में पाया जाता हो तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल कहेंगे, ठीक है। थर्मो एसिडो फाइल कहेंगे, थर्मो एसिडो फाइल। तो इसमें भी अब थर्मो का मीनिंग जानेंगे, एसिड का आप लोग जानते ही होंगे। तो थर्मो का मतलब हीट होता है, थर्मो का मतलब हीट। अब हीट कब आएगा भाई? जब तक हाई टेम्परेचर नहीं रहेगा तब तक जो है तो हीट तो होगा नहीं। तो जहाँ हाई टेम्परेचर और लो पीएच रहता है तो वहीं पर ऐसे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम लोग थर्मो एसिडो फाइल नाम देते हैं, ठीक है। थर्मो
थर्मो एसिडो फाइल, एसिड का मतलब एसिडो का मतलब एसिड लिख लेते हैं, एसिडो का मतलब एसिड होता है, ठीक है, और फाइल का मतलब जानते ही हैं, ठीक है, फाइल का मतलब ये क्या होता है, लविंग। तो हॉट स्प्रिंग में जो आर्किबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडो फाइल कहते हैं, और थर्मो का मतलब हीट होता है और एसिडो का मतलब एसिड। अगला जो है मिथेनोजेन है, ठीक है, मिथेनोजेन, तो सॉरी, अगला जो है तो हम लिखेंगे, अगर आर्किबैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाया जाता हो, ठीक है, मार्सी, मार्सी का मतलब दलदल एरिया, ठीक है, जहाँ पर कीचड़ हो, ठीक है, कीचड़पन जहाँ हो, कीचड़दार एरिया हो, और उसी को हम लोग मार्सी कहते हैं। तो मार्सी एरिया में अगर आर्किबैक्टीरिया पाया जाता हो तो ऐसे आर्किबैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है, ऐसे आर्किबैक्टीरिया को मिथेनो जेंस कहते हैं, मिथेनो जेंस। मिथेनोजेंस जो है तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक गैस के प्रोडक्शन का, उस गैस का नाम है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस, या उसको हम लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बायोगैस के नाम से फेमस है, जिस मीथेन गैस की बात कर रहे हैं, बायोगैस में मतलब मैक्सिमम मीथेन ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है तो उसको मीथेन गैस भी कहते हैं हम लोग। तो मार्सी एरिया में अगर आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को मिथेनोजेन कहते हैं, ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथेन गैस प्रोडक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथेन, ठीक है, मिथेन गैस, मीथेन गैस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है, मीथेन गैस प्रोडक्शन। तो मीथेन गैस प्रोडक्शन, मीथेन गैस मतलब हम लोग बायोगैस को भी कहते हैं, ठीक है, बायोगैस, बायोगैस, मीथेन गैस जो है उससे हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये बफेलो मतलब कैटल जो होते हैं, ठीक है, कैटल में बफेलो भी आ जाएंगे और गाय जो जिसे हम लोग अंग्रेजी में काऊ कहते हैं, ठीक, तो ये उसकी गट में पाया जाता है, गट मतलब स्टोमेक होता है। तो मिथेनोजेंस फाउंड इन, लिखेंगे फाउंड इन, मिथेनोजेंस फाउंड इन गट ऑफ कैटल, ठीक है, इन गट ऑफ कैटल, कैटल में गाय और भैंस दोनों आ जाएंगे, ठीक है, कैटल में गाय और भैंस दोनों आ जाएंगे। गट का मतलब स्टोमेक होता है, ठीक है, गट गट का मतलब स्टोमेक होता है, ठीक है, स्टोमेक। तो जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैटल के गट में, ठीक है, कैटल के स्टोमेक में, कैटल में जो है तो बफेलो, बफेलो और काऊ दोनों आ जाएंगे, ठीक है, दोनों आ जाएंगे कैटल में। तो कैटल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, बफेलो और काऊ। अर्की, अब लोग पूछते हैं कि भाई अर्की बैक्टीरिया इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सरवाइव कर लेता है, तो आप लोग जवाब देंगे, इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ये सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है, और सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबसे डिफरेंट होता है, इसीलिए ये जो है तो एक्सट्रीम कंडीशन में ये आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर है ख़त्म हो गया, अगला जो लेक्चर होगा वो यू बैक्टीरिया होगा, ठीक है, यू बैक्टीरिया का हम लोग पूरा बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है।